हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तलकरा सिंह 10+12 पर। देखो बेटा, आज बेटा तुम्हें आज स्टार्टिंग करते हैं कक्षा 10 रसायन विज्ञान। बेटा एक एक लफ्ज दूंगा आपको रसायन विज्ञान में। अगर कक्षा 10 में आप पढ़ने वाले हो, पांच या छह वीडियो, देखो वीडियो बड़ी बनाऊंगा, सही है, लेकिन गारंटी है पूरा चैप्टर इसी वीडियो में दे दूंगा। इसलिए आप जो है बेटा लगातार देखते रहे। चलो देखते हैं क्या चल रहा है। बेटा सब जानते हो बेटा, जो पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान में कक्षा 10 का, कौन से का? कक्षा 10 का क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं और क्या है बेटा? समीकरण। ठीक है, देखते हैं बेटा इसमें देखो कैसे करेंगे। पहले ही सबसे पहले जब चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, तो बताए बेटा सबसे पहले इन्हीं की परिभाषा आनी चाहिए। ठीक है, देखो क्या है रासायनिक अभिक्रिया, क्या है रासायनिक अभिक्रिया? देखो वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण मूल पदार्थ से सर्वथा कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं, क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखो बेटा दो तरीके की जो परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। जैसे भौतिक परिवर्तन में क्या है, ताप दाब बाह्य परिस्थितियों का जब परिवर्तन किया जाता है तो वह कहलाता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, एक बार जो परिवर्तन हो गया पुनः वापस ना आता है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहे हैं, फिर से देख लो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा है क्या। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देखो क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण जो पहले पदार्थ था मूल पदार्थ से सर्वथा भिन्न होते हैं, कॉमा लगा के क्या देंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे बेटा मैंने ये एग्जांपल दिखाया है बेटा, जैसे हम देख रहे हैं मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है जिसके भौतिक तथा रासायनिक गुण मैग्नीशियम धातु से कैसे होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो ये किस चीज का उदाहरण है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रिया। यहां देखो मैंने दे रखा ये मैग्नीशियम धातु है, क्या है धातु, और ये क्या है बेटा वायु है, बगैर वायु के कुछ भी जलना संभव नहीं है, तो ये क्या ले रखा वायु अर्थात तो ऑक्सीजन है, क्या है ऑक्सीजन, और ये क्या बन जाता है ये मैग्नीशियम और क्या बन गया ऑक्साइड, क्या बन गया ऑक्साइड। इसके गुण बेटा इसके गुण से कैसे हैं, बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल कैसे हैं, भिन्न है। ठीक है, ये किसकी अभिक्रिया, किस चीज की परिभाषा कंप्लीट हो गई, रासायनिक अभिक्रिया। क्या बता रहा हूं, फिर कोई जरूरी ना जैसे मैं बोल रहा हूं आप अपने लफ्जों में लिख सकते हो क्या, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके क्या है अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं और जो निर्मित है, जो निर्मित पदार्थ उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या है मूल पदार्थ से कैसे होते हैं, सर्वथा भिन्न होते हैं, कॉमा लगा के ऐसी अभिक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने दिखा दिया इसमें मैग्नीशियम को जब वायु में अगर जलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। देखो बेटा इधर मैं तुम्हें और दिखा दूं, देखो इधर क्या दिखाएं बेटा, ऑक्साइड धातुओं के ऑक्साइड में इधर दिखा देगा जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बेटा आप लोगों को नहीं पता है तो थोड़ा आवेश के बारे में पता होना चाहिए, मैं धातु बता दे रहा कौन सी है। देखो आप एक Na की बारे में जानते हो, Na एक पॉजिटिव होता है, एक मैग्नीशियम होती है Mg2 पॉजिटिव और एक होती है Al3 पॉजिटिव और Mn2 पॉजिटिव, इसी प्रकार से Zn2 पॉजिटिव, CO एक पॉजिटिव भी होता है, CO2 पॉजिटिव भी होता है, ऐसे ही Iron2 पॉजिटिव भी होता है, Iron3 पॉजिटिव। ये सब बेटा क्या है, धातु हैं, ये सब धातु हैं जो है
क्या बनाती हैं? धातुएं बेटा वायु में जल के ऑक्साइड ही बनाती हैं। जैसे इसका ऑक्साइड अब हम देख रहे हैं ओ की कितनी संयोजकता होती है, अर्थात ओ पर जो आवेश होता है माइनस के टू होता है। जब इसको जोड़ोगे ना तो हमेशा कैसे जोड़ोगे, जैसे ये एक पॉजिटिव है ये दो नेगेटिव है, जुड़ेगा ना तो इसके दो लेने पड़ेंगे, यानी कि सूत्र हो जाएगा Na2O। ऐसे ही बेटा Mg यहां दो पॉजिटिव है और यहां दो नेगेटिव है, सीधे जुड़ जाएगा बेटा Mg और O। अब इसके साथ इनके साथ या इसके साथ ले लो, ये दो पॉजिटिव है, ऑक्साइड क्या है तो ZnO, ये जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, मैग्नीज है, ये जिंक है, ये कॉपर, ये बेटा इसको थोड़ा ऐसे रहने दो, बाद में बताएंगे है ना, यहां पर अभी याद रखो, ये बेटा कॉपर है और ये है आयरन, आयरन का मतलब है लोहा है, क्या है लोहा, ठीक है। ऐसे ही चांदी होती है Ag पॉजिटिव, क्या होती है Ag। तो ये धातुएं जितने भी हैं क्या है, अगर इनको वायु में जलाओगे तो ऑक्साइड प्राप्त होंगे, जैसे हमने बताया अभी इसके एग्जाम्पल में रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा में क्या बता दिया है, क्या जब मैग्नीशियम धातु को क्या है ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, और जिसके गुण इसके किसके इसका मूल पदार्थ क्या था धातु, उससे सर्वथा भिन्न होते हैं, और ये एक किसका उदाहरण है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। सेकंड चीज आ जाओ बेटा, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या है मेरे लफ्जों में, अर्थात आप सिंपल वे में देखो कि जब किसी अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारक, और अच्छा हाँ ये भूल गए, इधर देखो बेटा, इधर वाले देखो, ये तीर देख रहे हैं, ये प्रदर्शित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। इससे पहले वाले कहलाते हैं अभिकारक, क्या कहलाते हैं अभिकारक, और जो अभिक्रिया में जो बने जो वो कहलाते हैं उत्पाद। अभिक्रिया से पहले क्या कहलाते हैं अभिकारक, और अभिक्रिया के बाद क्या बने उत्पाद। तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या होती है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बने उत्पाद को क्या है किन्हीं प्रतीकों यानी कि किन्हीं सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करके एक संक्षिप्त विधि से प्रदर्शित करने के लिए ही क्या कहते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि अभिक्रिया में जो अभिकारक है उनके सूत्र और जो बने उत्पाद उनके रूप में यदि हम किसी अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहे हैं तो उस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो ये रासायनिक समीकरण परिभाषा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर से देखो बेटा एक लाइन है, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया में बेटा अंतर है, क्या है अंतर है। रासायनिक अभिक्रिया तो ये बता रहे हो ये क्या हो रही है, ये देखो जैसे मैं इसका ही उदाहरण ले रहा हूं, ये कि मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है, ये क्या है एक रासायनिक अभिक्रिया है, और मैंने इसी चीज को इस रूप में लिखा, इस रूप में कैसे, ये क्या है मैग्नीशियम धातु है, ये है वायु, इसमें क्या कर दिया इसको जला दिया, फिर मैग्नीशियम क्या हो गया ऑक्साइड प्राप्त हुआ, तो ये रासायनिक समीकरण है जबकि ये अभिक्रिया है, क्या है अभिक्रिया, यानी कि अभिक्रिया में जो प्रयुक्त जो पदार्थ है उनको रासायनिक सूत्रों के रूप में लिखने का अर्थात प्रदर्शित करने को के लिए ही क्या बोलते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या फिर से देखेंगे रासायनिक समीकरण परिभाषा, किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन क्या कहलाता है रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। अब यहां ये बता दिया है, हालांकि ये मैंने तुम्हें पहले ही आप लोग जानते हो ये बताया है बेटा, मैंने ये क्या बताया इधर देखो, ये बताया है ये रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ क्या कहलाते हैं अभिकारक, यानी कि इधर वाले क्या कहलाते हैं ये बेटा है अभिकारक, क्या है ये अभिकारक, तथा अब के उत्पन्न होने वाले पदार्थ यानी कि इधर ये क्या ये हो गए उत्पाद, क्या कहलाते हैं उत्पाद। ये मैंने बता दिया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं अभिकारक,
और उत्पन्न होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं बेटा? उत्पाद। ठीक है, जैसे हमने देखा ये बेटा मेथेन गैस गैस है। क्या है? मेथेन गैस। थोड़ा देखो, थोड़ा थोड़ा करके याद करोगे तो सूत्र आप याद रख लोगे। मेथेन गैस का जो सूत्र होता है बेटा, मेथेन है CH4 है। क्या है? CH4। अच्छा, किसी भी गैस को जलाओगे तो ये बात बिल्कुल निश्चित है कि जलेगी ऑक्सीजन से। अगर आप वायु नहीं दोगे तो वह जल नहीं सकती, यानी कि वायु होनी चाहिए किसी को भी जलाने पर। और दरअसल ये कार्बन के यौगिक है, हाइड्रोकार्बन है, अर्थात हाइड्रोजन और कार्बन है। तो जब किसी हाइड्रोजन और कार्बन को, हाइड्रोकार्बन को गर्म करोगे तो एक तो CO2 निकल जाएगा और बेटा जल जल प्राप्त होती है। किसी भी कार्बनिक गैस को जलाओगे यानी कि यहां ऑक्सीजन रखोगे तो हमेशा क्या बनेगा? ये बना बेटा CO2। CO2 का मतलब है कार्बन, और दो के लिए लिखोगे डाई, और ये हो गया ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या? कार्बन डाई ऑक्साइड। और ये क्या है बेटा? जल। जल का अणु तो ये जल के लिए तो जानते हो आप, H2O। तो क्या है? जैसे कार्बन डाई, जैसे मेथेन गैस, यहां ये गैस बताने, यहां भी गैस और यहां डाल दो लिक्विड। ये आपको पता होना चाहिए। ये बेटा क्या, ये वाले दो तीन लफ्ज हैं कौन कौन से? एक तो किसी के पड़ोस में L डाल दिया। क्या लगे? डाल दिया L, तो समझ लो कौन सी अवस्था है उसकी, द्रव। और किसी के पड़ोस में यदि आप स्मॉल s लिख रहे हो तो समझ लो उसकी अवस्था आप कौन सी ले रहे हो, ठोस। और किसी के पड़ोस में यदि ऐसे ब्रैकेट में g लिख दिया, क्या लिख दिया? किसी के भी पड़ोस में स्मॉल g लिया तो समझ लो वो गैस है। क्या है? गैस। तो यहां पर क्या है, मेथेन गैस को जब जलाया, वायु में जलाया, तो पता है क्या प्राप्त हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। ये क्या है? एक अभिक्रिया की समीकरण है। क्या है? इसकी अभिक्रिया क्या है? जब मेथेन को वायु में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। ठीक है, उसकी ये क्या है? रासायनिक समीकरण है। ठीक है, समझ गए होगे? रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया दोनों की परिभाषा आनी चाहिए। देखो ये जो ब्लैक बोर्ड पे है ना बेटा, इसके बाद थोड़ा और लिखाऊंगा और गारंटी दे रहा हूं इसमें से कुछ ना कुछ छपेगा, मैं तुम्हें अभी बता रही हूं ये। ठीक है, इधर देख लो क्या है बेटा। अब आ जाओ बेटा, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हो गई, रासायनिक समीकरण की परिभाषा हो गई। ये रासायनिक समीकरणों के प्रकार, यानी कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती हैं, सही? अलग अलग सबके मैंने उनकी परिभाषा बताऊंगा और क्या है उनके एग्जाम्पल। तो देखो बेटा, रासायनिक अभिक्रिया में ये दो चीजें हैं, इनमें से अगर एक का परिभाषा सीख गए तो दूसरी की परिभाषा सीख गए। ये है बेटा संयोजन और ये है वियोजन। बताना संयोजन का मतलब क्या होता है? अरे संयोग का मतलब इकट्ठा होना, और वियोजन का मतलब है अलग होना। क्या होना? अलग। संयोजन का मतलब होता है इकट्ठा होना, और वियोजन का क्या मतलब होता है? अलग होना। तो संयोजन में बिल्कुल सिंपल परिभाषा हो गई। अब कोई भी संयोजन अभिक्रिया ही परिभाषा दे सकता है। कैसे? देखो ये सब रासायनिक अभिक्रिया है। पहली बात तो सबके साथ एक लब्ज लगाओगे, रासायनिक अभिक्रिया। आ रही बात तुम्हारी समझ में? कैसे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखो फिर से सुनो, संयोजन का मतलब है दो या दो से अधिक। तो यहां पर वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ क्या है, अधिक पदार्थ क्या करके, संयोग करके एकल, एक उत्पाद, एकल का मतलब है एक उत्पाद बनाते हैं। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया का क्या कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम देख रहे हैं बेटा, ये देख लो, चलो यहां पर एक आपको मेथेन गैस का सूत्र याद हो गया, दूसरा अमोनिया गैस का। किसका? अमोनिया गैस का। अमोनिया, अमोनिया गैस का सूत्र होता है NH3। क्या होता है? समझ रहे हो? अमोनिया गैस का सूत्र होता है NH3, और बेटा मेथेन गैस का क्या होता है? CH4। सही है, चलो यहां पर ये साफ भी कर दे रहे हैं ना, जो भी बताना है यही बताते रहेंगे। ठीक है, इधर देखो बेटा, क्या संयोजन अभिक्रिया जैसे हम देख रहे हैं, ये क्या बता दी मैंने? ये बता रहा हूं क्या, अमोनिया गैस, अमोनिया गैस, अमोनिया गैस है,
अमोनिया, इसके पड़ोस में क्या डाल दो जी, और ये कौन सा है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये क्या है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। जब ये अमोनिया की अभिक्रिया क्या से कराते हो हाइड्रोजन क्लोराइड से करते हो, तो बेटा ये प्राप्त होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम और क्या प्राप्त होता है क्लोराइड, क्या है ये अमोनियम और बेटा ये है क्लोराइड, क्या है ये क्लोराइड, क्लोराइड। जिसे पता है क्या बोलते हैं नौसादर भी बोलते हैं, कोई पूछने लगे नौसादर का क्या सूत्र है तो यही है NH4Cl। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड जब आपस में क्या है अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के बाद एक क्या है अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4 का एक उत्पाद प्राप्त होता है, तथा ये अभिक्रिया किसका उदाहरण है बेटा संयोजन का अभिक्रिया का उदाहरण है कि अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड संयोग करके एक उत्पाद अमोनियम क्लोराइड क्या करते हैं का निर्माण करते हैं, ठीक है। तथा ये अभिक्रिया किसका उदाहरण हो गई बेटा किसका संयोजन का, सही बताया आपने। ऐसे ही बेटा जब कार्बन को, जब कार्बन, कार्बन का सूत्र क्या है सी, सी को जब कार्बन को क्या है वायु में जलाया जाता है, यस कार्बन वायु से अभिक्रिया करके या वायु से संयोजन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। देखो दो दो है ना, ये दो अभिकारक है, दो अभिकारक मिलकर आपस में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है संयोजन कर निर्माण करते हैं। तो ये सब उदाहरण किसके हैं बेटा संयोजन के। संयोजन में क्या दिखाना होगा, ये कार्बन ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये अमोनिया ये HCl क्या बन जाएगा NH4Cl, ठीक है ना। ये बेटा किसके उदाहरण है संयोजन। अब आ जाओ बेटा वियोजन, वियोजन या अपघटन। वियोजन का मतलब होता है अलग अलग होना और अपघटन का भी मतलब होता है अलग होना, या दूसरी भाषा में कह सकते हो टूटना। तो बेटा ये इसके अपोजिट है, ये संयोजन है और ये वियोजन है। इसमें दो या दो से अधिक मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, इसमें एक पदार्थ क्या है स्वयं के छोटे छोटे अपघटनों में क्या हो जाता है या अवयवों में क्या हो जाता है टूट जाता है, या सरल यौगिकों में टूट। जब एक ही पदार्थ दो या दो से अधिक सरल अणुओं में क्या हो जाता है टूटता है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है अपघटन कहलाती है। देखो फिर से क्या ये लाइन तो सब में लिखोगे, ध्यान रखना लिखने का अपना एक तरीका होता है, एक ही तरीका अगर प्रयोग किया जाए तो लिखने में बड़ी कम मुश्किल होती है। इधर देखो क्या है वियोजन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा भाई कुछ ना कुछ आपको बाहर, देखो अपघटन जो होता है ना, देखो भाई एक बात बता, कोई भी चीज अगर टूटेगी तो ऐसा ना टूट जाएगी, हम कह दें ये पेन ऐसे ही टूट जाएगा रखे रखे ना, हम कुछ ना कुछ इस पर करेंगे जरूर भाई, चाहे किसी से इस पर प्रहार करें या इसको कट करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अपघटन के लिए आपको कुछ ना कुछ क्या करना होता है करना होता है। तो क्या है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या अवयवों तत्वों या लघु यौगिकों में क्या हो जाता है अपघटित हो जाता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। फिर से देखो मैंने तुम्हें बता दिया कि वियोजन का मतलब है टूटना, इसको दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं क्या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ बाह्य कारक की उपस्थिति में या बाह्य कारक के प्रभाव में दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में क्या हो जाता है टूट जाता है या वियोजित हो जाता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को ही वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते। मेरी भाषा भी याद रखियो, जैसे मैं बोल रहा हूं आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई जरूरी ना ये सेम याद रहे एक एक लफ्ज आप याद कर रहे हो ना, ये देखो संयोजन क्या है और वियोजन क्या है, वियोजन में टूटेगा, अब टूटेगा कोई एक पदार्थ सरल यौगिकों में, संयोजन में क्या होंगे दो या दो से अधिक मिलेंगे, ठीक है ना। तो क्या है बेटा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयव तत्वों या लघु यौगिकों में अवघटित हो जाता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो बेटा ये वियोजन होता कैसे है, वियोजन एक ग्रुप है, क्या है
ये ऊष्मा प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती है, यानी कि वियोजन की अभिक्रिया सी देना हो जाएगी। तुम सोच रहे हो बगैर ऐसे ही हो जाएगा, अभी वहां जिक्र करा है, क्या किया है जिक्र, वहां ये बताया बेटा बाह्य कारक होना चाहिए। तो क्या बताया ये ध्यान दो बेटा, मैंने ये लिखा ये वाली लाइन सही है, यहां से ये अलग है क्या, ये ऊष्मा प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती है। ये जो अभिक्रिया है कौन सी, वियोजन की, वो या तो ऊष्मा के द्वारा या प्रकाश के द्वारा या विद्युत के द्वारा संपन्न होती है। ये कितने प्रकार की होती है बेटा, तीन प्रकार की होती है ये वियोजन अभिक्रियाएं, ये अपघटन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, तीन, क्योंकि बाह्य कारक कौन कौन होते हैं, या तो ऊष्मा या प्रकाश या कौन सी हो विद्युत, हो क्या है विद्युत। तो जब ऊष्मा के कारण होगा तो ऊष्मी वियोजन, और विद्युत के कारण होगा तो विद्युत वियोजन, और जब बेटा किसके किसके कारण, प्रकाश के द्वारा होगा तो यहां पर क्या कहेंगे, प्रकाश अपघटन। बिल्कुल सिंपल है, वियोजन की जो वियोजन की परिभाषा आती है, यानी कि वियोजन अभिक्रिया आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, वियोजन किसे कहते हैं या वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है वर्णन कीजिए। तो हम वैसे ही लिखेंगे यहाँ पे कि बैर रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा क्या है, अपने अवयवों तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित होने हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। और ये जो अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया वो ऊष्मा प्रकाश या विद्युत के द्वारा संपन्न होती है। और ये अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तीन, क्योंकि तीन के द्वारा ही तो ये क्या हो रही है, संपन्न हो रही है। तो सबसे पहले ऊष्मीय अपघटन, क्या है ऊष्मीय अपघटन, बिल्कुल सिंपल है, एक लफ्ज इन्वॉल्व कर देना। पहली बात तो ये तो जरूर लिखोगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। बिल्कुल सिंपल, इसी में ना आप केवल ऊष्मा के जगह बदलते रहिए और तीनों की परिभाषा लिख जाएगी। तो फिर से देखेंगे, ऊष्मीय अपघटन नाम से ही पता पड़ रहा है, इसमें कारक कौन सा लिया गया है, ऊष्मा लिया गया है, क्या लिया, ऊष्मा, ऊष्मीय के कारण अपघटन है इसलिए ऊष्मीय अपघटन हो जाएगा। तो क्या कह दिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। अब जैसे जैसे बेटा ये है आपका CaCO3, देखो ये किसका उदाहरण, ये इसका मैं बता दे रही है बेटा, कोई संगमरमर का कह दे, कैसे संगमरमर का सूत्र पूछे, संगमरमर, ठीक है ना, संगमरमर का सूत्र भी यही है, कौन सा CaCO3, CaCO3 सही है क्या, या खड़िया का सूत्र पूछे तो भी यही है क्या, Ca का मतलब होता है कैल्शियम, क्या है कैल्शियम सही, और बेटा CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, या जिसको क्या बोलते हैं हम, संगमरमर कहते हैं, क्या कहते हैं संगमरमर, ठीक है। ये एक क्या है, बहुत चिकना पत्थर होता है, क्या होता है, एक चिकना पत्थर ही तो है। यह खड़िया का सूत्र भी यही है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। तो क्या बेटा, जब संगमरमर को आप गर्म करोगे वायु में, जब संगमरमर को क्या है ऊष्मा दो, आप क्या कर दो ऊष्मा यानी कि गर्म करो, तो पता ही है कौन से, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाएगा। और ये उदाहरण किसका हो गया, ऊष्मीय वियोजन का, ठीक है। आप गर्म कर रहे हो ना इसको, तो क्या है, जब ये हैबिटेट का सॉलिड होती है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को ऊष्मीय अपघटन यानी कि ऊष्मा दे रहे हैं, यानी कि गर्म कर रहे हैं इसको। जब क्या है संगमरमर को क्या कर किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। और चूंकि ये अपघटन ऊष्मा के कारण हुआ है, अर्थात ये एक ऊष्मीय अभिक्रिया का, किसका, ऊष्मीय वियोजन का क्या हो गया, एक उदाहरण। कौन सा उदाहरण, अरे संगमरमर को गर्म करना, यानी कि जो संगमरमर है CaCO3 को गर्म करना, जिससे ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO+CO2 में क्या हो जाता है, अपघटित हो
जाता है। ठीक, अब आ जाओ बेटा, यहां दूसरा ये बताया हमने, दूसरा प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन का मतलब है जब वियोजन किसके द्वारा होगा, प्रकाश के द्वारा, ठीक है ना। तो देखो, जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब ये वियोजन क्या कहलाता है, प्रकाश, तब ये क्या कहलाता है, प्रकाश अपघटन कहलाती है। यानी कि ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश अपघटन कहलाती है। जैसे ये सिल्वर क्लोराइड हो, यह सिल्वर ब्रोमाइड हो, क्या हो, यहां दो लेते हैं, या तो AgCl या Ag, ये चलो इसका नाम ही लिख दे रहे हैं, है ना, क्या ये सिल्वर और क्या है बेटा ये क्लोराइड है, क्या है सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड को आप ऐसे ही रख दोगे सूर्य के प्रकाश में, तो पता है क्या, सिल्वर प्लस क्लोरीन में क्या हो जाएगा, ये वियोजित हो जाएगा, तथा ये अभिक्रिया क्या क्या किसकी उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश में। बेटा ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड होता है, ये सिल्वर क्लोराइड है, एजी सिल्वर है और सीएल होता है क्लोराइड, और ऐसे ही एजी सिल्वर ले लोगे और ब्रोमाइड, तो वो हो जाएगा AgBr, क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड क्या है, AgBr। इसका अगर सूर्य के प्रकाश में आप रख दोगे तो ये सिल्वर और क्या है, क्लोरीन गैस में क्या हो जाएगी, अपघटित यानी वियोजित हो जाएगी। इसका प्रयोग कहां किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड, भाई क्या बहुत कहता है सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग या है उपयोग कहां किया जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड का या सिल्वर ब्रोमाइड का जो उपयोग किया जाता है वो फोटोग्राफी में किया जाता है, किसमें, फोटोग्राफी। अब तुम सोच रहे होगा फोटोग्राफी क्या है, बेटा जैसे मान लो आप लोगों ने एक्सरे देखा होगा, या पहले फोटो जो हुआ करे, एक्सरे देखा, देखते हैं हम क्या है, वहां सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं, तो पता है हाइपो और सिल्वर ब्रोमाइड, तो वहां क्या होता है, प्रकाश में रख दिया जाता है, सिल्वर क्लोराइड को किस में रख दो, प्रकाश में, तो यहाँ सिल्वर एजी और क्लोरीन प्राप्त होती है, इनके अपघटित हो जाता है। अब आ जाओ यहाँ विद्युत अपघटन, कौन सा, विद्युत अपघटन, नाम से ही पता पड़ गया है कि क्या होगा, ये विद्युत का अपघटन, यानी कि विद्युत के द्वारा अपघटन। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर ये दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाती है। इस प्रक्रम में, अब देखो बेटे, ये जो विद्युत अपघटन होता है ना, वो आयनिक यौगिकों का होता है, किसका, आयनिक, आयनिक का मतलब है जो पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट जाए, किसमें टूटे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बेटा विद्युत अपघटन में जो होता है उसका जलीय विलयन लिया जाता है, कोई भी पदार्थ ले लो उसका जलीय विलयन, यानी कि उसमें जल मिला दोगे फिर विलयन बन जाएगा, उसमें विद्युत प्रवाहित करोगे, तो जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तो बेटा ये ऐसे समझो, ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को, अरे बैटरियां देखती हैं आप लोगों ने घरों में देखी होगी, इन्वर्टर की दो खूंटियां होती हैं, एक एक पे प्लस लिखा होता है, एक पे माइनस, अरे वही तो इलेक्ट्रोड है यार, क्या है इलेक्ट्रोड, तो प्लस वाले को बोलते हैं एनोड और माइनस वाले को बोलते हैं कैथोड, प्लस वाले को एनोड और माइनस वाले को क्या बोलते हैं, कैथोड। तो पता है क्या, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, कोमा लगाए के क्या है, विद्युत अपघटन कहलाती है। इस प्रक्रम में जो धनायन होता है वो कैथोड पर, देखो बेटा आकर्षण और प्रतिकर्षण बल देखा होगा आप लोगों ने, महसूस करा होगा कैसे लगता है, बेटा समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण लगता है और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण। अब हमें पता है, हमने ऐसे यौगिकों का विद्युत अपघटन किया जाता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट सके, ये तो बता ही रहे हैं। तो देखो बेटा ये जो नेगेटिव वाला कहां जाएगा, पॉजिटिव पर, और पॉजिटिव वाला कहां जाएगा, नेगेटिव पर, क्योंकि इलेक्ट्रोड दो है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव वाले को कैथोड और पॉजिटिव वाले को एनोड। तो पता है जो विद्युत अपघटन में क्या होता है, जो ऋण भाग है, ऋण भाग है वो तो एनोड पर जाएगा, अब अक्षेप के रूप में प्राप्त होगा, और जो धन भाग है वो कहां हो जाएगा, कैथोड पर, वही तो लाइन लिखी है। इस प्रक्रम में धनायन कहां पर, कैथोड पर, धनायन
कैथोड पर, क्योंकि कैथोड पर ऋण होता है, तथा ऋणायन एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं। जैसे यहां उदाहरण बताया कि जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। बेटा जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो पता है जल में क्या है, अरे H पॉजिटिव और H पॉजिटिव और O नेगेटिव है ना, तो पता है H तो कहां जाएगा, H किस जगह जाएगा, H पॉजिटिव है तो जाएगा बेटा कैथोड पर, और O पर होता है नेगेटिव आवेश तो वो कहां जाएगी, एनोड पर। तो क्या बताएं, जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। ये अभिक्रिया दिखाइए, जल ले लो बेटा, जल का सूत्र क्या होता है, H2O, इसका विद्युत अपघटन करोगे तो बताया कि ये और ये दोनों टूट, ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव, तो यहां से H तो बदल जाएगा H2 में यानी कि हाइड्रोजन गैस में, और O बदल जाएगी कौन से में, ऑक्सीजन गैस में। तो इस संतुलन करने के लिए इसके दो ले लिए, तो इसलिए हाइड्रोजन गैस के दो अणु और ऑक्सीजन अणु गैस का एक अणु प्राप्त होता है, ठीक है। ये है बेटा विद्युत अपघटन, क्या है, विद्युत अपघटन, बिल्कुल सिंपल है। अपघटन किसी का हो यानी कि वियोजन किसी का हो, जिसके द्वारा हो रहा ऊष्मा के द्वारा हो रहा तो ऊष्मा वियोजन, प्रकाश के द्वारा हो रहा है तो प्रकाश वियोजन, और किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा हो रहा है तो विद्युत। बस एक एक उदाहरण याद रखना है आपको, क्या है, मान लो वो कह देगा ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाओ, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि संगमरमर को गर्म करेंगे, संगमरमर का सूत्र तो याद होना चाहिए, तो संगमरमर का क्या है, CaCO3 गर्म कर दो, और गर्म करने के बाद CaO+CO2, जब भी CO3 टूटेगी, जो कार्बोनेट टूटते हैं तो CO2 जरूर निकलेगा, तो हम देख रहे हैं क्या, CA पे कितना होता है, 2 पॉजिटिव, और O पर हो दो होता है 2 नेगेटिव, CaO बन जाता है, क्या बन जाता है, यहां प्राप्त हो जाता है कहां, ये CO और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो वियोजन हो गया। अब वियोजन की अभिक्रिया में उदाहरण याद रखेंगे, किसको गर्म कराता हमने, संगमरमर को गर्म कराता CaCO3 को। अब आ जाओ बेटा प्रकाश, तो अभिक्रिया तो जरा सी देर में लिखोगे, क्या वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश द्वारा क्या हो जाती है, वियोजित होती है, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ किसकी, प्रकाश की उपस्थिति या प्रकाश द्वारा वियोजित होता है, क्या कहलाती है, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब ये तो याद रहा है कि प्रकाश वियोजन में करा क्या था, तो हमने बताए थे दो यौगिक याद रखो, कौन कौन से, एक तो AgCl और एक AgVr, AgCl और AgVr, AgCl का मतलब है सिल्वर क्लोराइड और AgVr का मतलब है सिल्वर ब्रोमाइड। जब इनको प्रकाश की यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में लेंगे, ये अभिक्रिया प्रकाश लेंगे तीर पर, तो पता उधर क्या, सिल्वर और क्लोराइड प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि Ag और Cl2 प्राप्त होगी। ऐसे इसकी विद्युत अपघटन, अब विद्युत अपघटन तो सबसे सिंपल है, आप जल का ही देखेंगे, किसका, जल, जल क्या है, H2O बनता है, सबको पता है, उधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन कहां मिलेगी, अगर कोई कहने लगे विद्युत अपघटन में जब जल का वियोजन किया जाता तो हाइड्रोजन कहां प्राप्त होती है, तो हम याद रखेंगे हाइड्रोजन पर होता है पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर होता है नेगेटिव, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव वाली है तो निश्चित नेगेटिव वाले पर गई होगी, इसका मतलब है नेगेटिव वाले जो हम इलेक्ट्रोड जानते हैं, है ना, तो हम जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है उसको कैथोड बोलते हैं, जो जिस पर पॉजिटिव होता है उसको एनोड, तो बेटा हाइड्रोजन तो मिलेगी कैथोड पर और ऑक्सीजन कहां मिलेगी, एनोड पर, ठीक है। अब आ जाओ विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको मैं बाद में बहुत डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना, इसके ट्रिक बताऊंगा कि कौन किसको विस्थापित कर सकता है, कौन किसको विस्थापित नहीं करता, लेकिन फिलहाल अभिक्रियाओं को वर्णन कर रहे हैं, वो कर लेने दो, ठीक है। विस्थापन या प्रतिस्थापन, विस्थापन का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो ये मैंने ये ले लिया, ठीक है, अब क्या करूं, मैं इसको हटा दूं और इसके स्थान पर ये ले आऊं, ये हो गया विस्थापन, क्या हो गया, विस्थापन, यानी कि पहले ये था ना था, ठीक, अब मैंने क्या करा, इसको हटा दिया और इसके स्थान पे ये लग दिया, ये हो गया विस्थापन, सही है, चीज वही है, मटेरियल बदल गया, ठीक है ना,
तो क्या है विस्थापन या प्रतिस्थापन। अब यहां भी क्या होता है, ये भी अवक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, दो। पहले बता देंगे कि विस्थापन है क्या, तो वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उसे विस्थापित कर स्वयं उसका क्या कर लेता है बेटा, स्थान ग्रहण कर लेता है, कोमा लगा के क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, प्रतिस्थापन या विस्थापन। देखो गणित पढ़ने वाले तो एक सेकंड में पहुंच जाएंगे, पकड़ जाएंगे, क्योंकि वो तो प्रतिस्थापन के बारे में जानते हैं। ठीक, आप लोग जो गणित नहीं पढ़ रहे हैं वो भी याद रखें, प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी की जगह किसी के द्वारा ले लेनी। ठीक है, अब बताओ बेटा किसी की जगह कोई, किसी की जगह कोई कैसे ले लेगा, जब ले लेगा जिसकी जगह है वो कमजोर हो और जो भाई लेना चाह रहा है वो कैसा हो, मजबूत व्यक्ति हो, क्या हो, मजबूत। अब यहां बेटा ताकत, ताकत थोड़ा ही ना देखे जा रही है मजबूत और कमजोर, यहां तो ये देखो क्रियाशील की बात कहेंगे, क्या कहेंगे, रसायन की भाषा में आएंगे तो क्या लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उसे क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है और स्वयं उसका स्थान ले लेता है या ग्रहण कर लेता है, कोमा लगा के प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और ये भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, दो की, कितने प्रकार की, दो, एकल विस्थापन अभिक्रिया और उभय अपघटन, या इसको ही बोलते हैं द्वि विस्थापन। एकल विस्थापन का मतलब है जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया ये दो थी, मैंने इसका स्थान इसने ले लिया, ये हो गया एकल विस्थापन, या मान लो ये तीन है। ठीक है, अब कैसे है बेटा, जैसे ये है, ठीक है ना, ये दो चीजें हैं, अब क्या करते हैं इसको इधर और ये ऑटोमेटिक इधर आ जाएगा, ये क्या होगा द्वि विस्थापन, इसका स्थान इसने, इसका स्थान इसने, ये द्वि विस्थापन है। इधर देखो बेटा, यहां एकल विस्थापन अभिक्रिया, एक प्रतिस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी अणु में उपस्थित परमाणु अथवा परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु या परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, एकल विस्थापन कहलाती है। जैसे हम देखो बेटा, एक बात ध्यान रखना, ये तीन धातुएं देखो और इधर कौन लिया है बेटा, Cu, सही, ये बेटा क्या है, Fe आयरन, ये Zn है जिंक और ये है लेड, क्या है, ये Pb क्या है बेटा, लेड, और ये क्या है जिंक, और ये क्या है बेटा आयरन यानी कि लोहा। ठीक है, इनकी ये CuSO4 का मतलब कॉपर सल्फेट, SO4 होता है बेटा सल्फेट और SO4 पर दो नेगेटिव होता है। ठीक है, किसी का भी सल्फेट बना सकते हो आप, बनवा के दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल नहीं, फिलहाल समझा केवल। ठीक है, क्या इसमें देखो आयरन और जिंक और क्या है लेड, इन ये तीनों ऐसा समझो अधिक क्रियाशील है, जबकि इनकी अपेक्षा CO कॉपर क्या है कम क्रियाशील है, तो ये कॉपर को हटा देंगे वहां से, कहां से, अरे कॉपर सल्फेट जहां जुड़ा हुआ था और स्वयं उसका स्थान ले लेंगे। देखो आगे क्या हुआ है, ये कॉपर निकल गया और ये Fe यहां आ गया, यानी कि FeSO4 हो गया, फेरस सल्फेट प्राप्त हो गया, यहां Zn इसको हटा दिया, ये ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, ऐसे ही बेटा इसने इसको हटा दिया तो ये लेड क्लोराइड क्या हो गया, PbCl, क्या हो गया, Pb होता है लेड और Zn होता है जिंक और Fe होता है आयरन। तो क्या है, फिर से देखेंगे, एक प्रतिस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें किसी अणु में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह को किसी दूसरे परमाणु या समूह से क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती कहते हैं। जैसे आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रत किया जाए तो क्या है, आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। या दूसरा बताया जिंक सल्फेट की किससे, कॉपर सल्फेट से कराई जाए अभिक्रिया, अभिक्रत किया जाए तो कॉपर सल्फेट, कॉपर को
जो वह कॉपर सल्फेट से क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं और स्वयं उसका स्थान ले लेते हैं। यहाँ जंक सल्फेट बन जाता है, यहाँ फेरस सल्फेट। ऐसे ही बेटा लेड, लेड में भी क्या है, लेड की जब ये कॉपर क्लोराइड CuCl2, CO कॉपर और Cl होता है क्लोराइड, जब लेड की कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया की जाती है तो बेटा क्या निकल जाता है, उधर CU तो प्रतिस्थापित हो जाता है और क्या प्राप्त हो जाता है, लेड क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब आ जाओ उभय विस्थापन या द्विविस्थापन, ये हमने तुम्हें बता रखा बहुत सिंपल, जल्दी से देखेंगे कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयन अथवा मूलक परस्पर एक परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनाते हैं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयन अथवा मूलक, आयन अथवा मूलक परस्पर विनिमय द्वारा, विनिमय क्या होता है बेटा, विनिमय को इंग्लिश में जानते हो क्या करना, एक्सचेंज करना, क्या करना, एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब है अदला बदली। तो धातुओं की अदला बदली या आयनों की अदला बदली या समूहों की अदला बदली, तो क्या है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक, अभिकारक का मतलब है इधर इधर वाले, ये बेटा क्या कहलाते हैं, इधर के ये अभिकारक हैं, इधर अभिकारक, ठीक, और उधर के उत्पाद है, क्या है ये उत्पाद। तो क्या है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयन अथवा मूलक, मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, कोमा लगाए के क्या कहलाती है, उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जैसे बेटा ये कौन है, ये सोडियम सल्फेट है Na2SO4, क्या ये सोडियम और सल्फेट, क्या है ये सोडियम सल्फेट, ये क्या है Ba होता है बेरियम और Cl होता है क्लोराइड, तो ये है बेटा बेरियम क्लोराइड, बेरियम, अच्छा यहां लिख दूं, चलो इधर लिख दे रहे, बेरियम क्लोराइड, क्लोराइड। तो पता है होता क्या है, ये बेटा Na इससे अभिक्रिया करेगा। अब देखो बेटा, अब आपको ये ना पता होगा Na पर कितना पॉजिटिव होता है, Cl पर कितना नेगेटिव होता है, SO4 पर कितना पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो बेटा एक बात बताएं, इस हमारी एक वीडियो पड़ी है कौन से, धनायन और ऋणायन वाली, बेटा काफी पॉपुलर वीडियो है, तुम लोग पहले उसको देखना, अगर धनायन और ऋणायन आपने देखे ना 400 सूत्र बना दोगे, कितने बना दोगे, 20 धनायन याद करो, 20 ऋणायन, और याद करने के बाद उसमें मैंने एडजस्ट करना सिखाया है, 400 सूत्र बन जाते हैं। ये भी सब उन्हीं की देन है, किसी भी सूत्र को आप पढ़ और लिख सकते हो अगर वो वीडियो देखोगे तो। तो देखो यहां पर क्या है, ये है सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये है बेरियम क्लोराइड BaCl2। तो पता है Ba होता है दो पॉजिटिव, Cl होता है एक नेगेटिव, SO4 होता है दो नेगेटिव, Na एक पॉजिटिव, तो ये आयन इससे, अरे इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के पास, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो देखो वही हुआ है, वही Ba इससे करेगा इसके नेगेटिव से, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो Ba होता है दो पॉजिटिव, SO4 होता है दो नेगेटिव, सीधे ही हो जाएगा BaSO4, और BaSO4 क्या हो गया, बेरियम सल्फेट, क्या प्राप्त हो गया, बेरियम, और क्या हो गया ये सल्फेट, ठीक, सल्फेट। ठीक है, इधर देखो, अब इसका नेगेटिव यानी कि Cl, इसके पॉजिटिव से ये होता है Na और ये है Cl, Na पर एक पॉजिटिव होता है, Cl पर एक नेगेटिव, तो NaCl हो गया, NaCl, क्योंकि बराबर आवेश होने पर क्या हो जाते हैं, आप आयनिक यौगिक बना सकते हो। संतुलित करने के लिए चूंकि Na के दो थे, Cl के भी दो, तो आगे क्या लगा दिए, दो। इस तरीके से ये किस चीज का उदाहरण बेटा, उभय अपघटन का, क्या का, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया। थोड़ी देर रोकेंगे बेटा, देखो डियर स्टूडेंट्स क्या है बेटा, अब हम कहां तक चल गए थे बेटा, हम चल गए थे आपके विस्थापन, है ना, विस्थापन अभिक्रिया करा दी, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये जो छपरा है ना ब्लैक बोर्ड पर बेटा, इसमें से गारंटी से आएगा,
क्या है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन आएगा गारंटी से। देखो अब कैसा है बेटा, ये काफी इंपोर्टेंट है ये वाली अब क्रिया, ये बहुत इंपोर्टेंट है। और बेटा इसमें से हालांकि इंपोर्टेंट तो मैंने जो कुछ लिख रहा हूं वो इंपोर्टेंट ही है, लेकिन ये बहुत है, ये अपने आप में ये आती है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे है? कहते हैं, और अभिकारक और आपको अपचायक, ऑक्सीकारक और अपचायक भी आपको क्या है छांटने आने चाहिए। बेटा मैं बहुत तुम्हें एक एक छांटना सिखाऊंगा, थोड़ा ध्यान दो। देखो ऊष्मा छेपी, इनको रटोगे ना कभी याद ना होंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं। और अगर इनके लफ्ज में ही इसमें ही आंसर इनसे ही अगर लिखना सीख जाओगे तो लिख जाओगे। ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी का मतलब ऊष्मा छोड़ने वाली ऊष्मा, और ऊष्मा शोषी का मतलब है ऊष्मा अवशोषित करने वाली। देखो आप लोगों ने सबने क्या देखी होगी भाई, अभी दीपावली आ रही है, देखो कल ही देखा ही होगा सबने, कल ही चूना जो आता है बेटा उसको पानी में डाल दो, ठीक है, थोड़ी देर बाद पता है पानी अपने आप उबलने लगता है। अरे आपने तो यार ऊष्मा ना दी, ये क्या हो रहा है? तो बेटा ये क्या हो रही है, अब क्रिया ऊष्मा छेपी है, इसमें ऊष्मा अपने आप ही मुक्त होती है, निर्मुक्त होती है। तो बह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या है अब उत्पाद के साथ हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है, क्या कहलाती है? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। यह ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या है उत्पाद के साथ यानी कि अभिक्रिया होने होते समय ऊष्मा क्या होती है निर्मुक्त होती है यानी कि मुक्त होती है, क्या कहलाती है? ऊष्मा छेपी कहलाती है। ऊष्मा शोषित की परिभाषा आप अपने लफ्जों में क्या दे दोगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होती है अभिक्रिया होने पर ऊष्मा अवशोषित होती है, क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी कहलाती है, ऊष्मा शोषित। अब देखो मैं तुम्हें इसमें एक लाइन में बताऊंगा, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्मा क्या कहलाती है? छेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनमें ऊष्मा की मात्रा को किधर लिखते हैं? हाँ बेटा कभी कभार ना ये आ जाता है, ऐसे लिख दी जैसे मान लो ये अभिक्रिया लिख दी, ठीक है, एक अभिक्रिया लिख दिया, ठीक है ये वाली, और एक अभिक्रिया है ये, ठीक है ना। तो इधर देखो बेटा, इधर ही याद रखना, यदि प्लस का चिन्ह हो, किसका हो? प्लस का, तो ऊष्मा समझ लो निकल रही है, और ये क्या हो रही है यहाँ पर माइनस का है तो ऊष्मा अवशोषित हो रही है। तो क्या है? बे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर धन चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है, जैसे ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट क्या है बेटा? देखो कार्बन के दो अपर रूप है, कार्बन के कितने हैं? दो अपर रूप समझो। देखो एक कार्बन, कार्बन के दो अपर रूप हैं, एक ग्रेफाइट, क्या है? ग्रेफाइट, और एक होता है बेटा हीरा। हीरा दुनिया का सबसे ज्यादा कठोर चीज क्या है? हीरा। और ये सबसे ज्यादा मुलायम होती है, बहुत चिकनी होती है, कौन सी? ग्रेफाइट। तो कार्बन का अपर रूप आप ग्रेफाइट जानते होगे बेटा, ये ग्रीस वगैरह सब ग्रेफाइट का ही तो होता है, जितनी चिकनी चीजें हैं, ठीक है, यह सेल में जो रोड निकलती है उसमें भी ग्रेफाइट होती है, क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट यानी कि जो कार्बन का अपर रूप है वो वायु में अगर जलाने पर, अगर आप वायु में जलाओगे तो बेटा ऊष्मा निकलेगी, क्या निकलेगी? ऊष्मा, कितने? 94 किलो कैलोरी, 94 किलो कैलोरी, चाहे इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। अब पता है क्या होता है दरअसल में, क्या कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है निम्न में ऊष्मा छेपी है या निम्न में ऊष्मा शोषी है, तो जब इधर प्लस का चिन्ह हो तो ऊष्मा छेपी है, और जब माइनस का हो तो ऊष्मा क्या है? शोषी है। देखो अब यहाँ का उदाहरण याद रखेंगे कि ऊष्मा जब छेपी का उदाहरण देंगे तो हमने ग्रेफाइट को क्या है वायु में जलाया है, कैसा है? वायु में जलाया है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई है। आगे आ जाओ ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती है। इनमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पाद की ओर कैसे ऋण चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। देखो जैसे कार्बन और गंधक, जब कार्बन और गंधक से अभिक्रिया कराओगे ना तो बेटा कार्बन डाइसल्फाइड प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? CH2, यह है कार्बन और यह है H2, यानी कि कार्बन डाई, दो के लिए डाई और एस के लिए सल्फाइड,
क्या प्राप्त होगा? सल्फाइड। तो कार्बन तथा गंधक के साथ अभिक्रिया से कार्बन डाइसल्फाइड बनती है तथा 20,000 कैलोरी ऊर्जा क्या हो जाती है? अवशोषित हो जाती है। अवशोषित हो जाएगी तो इधर काय का चिन्ह लगाओगे बेटा? माइनस का। ठीक है, समझ गए? अभिक्रिया को देखते ही हम पहचान सकते हैं ये ऊष्मा क्षेपी है या शोषी है। अगर दाएं तरफ प्लस का चिन्ह है तो ऊष्मा क्षेपी है, और माइनस का चिन्ह है तो बेटा क्या है? ऊष्मा शोषी है। ठीक, अब आ जाओ बेटा ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण। अब देखो बेटा ऑक्सीकरण को हम ऐसे पहचानते हैं, या तो ऑक्सीकरण की ये परिभाषाएं दे दो, ठीक है, या फिर एक अकेली ये वाली दे दो। तो देखो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें, अब ऑक्सीकरण से ये याद रखो बेटा, ऑक्सीजन पर जो आवेश होता है वो दो नेगेटिव होता है, और हाइड्रोजन पर जो आवेश होता है एक पॉजिटिव। तो बेटा हम क्या करेंगे, जिस पर पॉजिटिव होता है उसे धन विद्युतीय तत्व बोलते हैं, और जिस पर नेगेटिव होता है उसे क्या बोलते हैं? ऋण विद्युतीय तत्व। क्या बोलते हैं? ऋण विद्युतीय तत्व। तो ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का योग। किसका? ऑक्सीजन का योग। तथा ऑक्सीजन जैसे जितने भी तत्व हैं यदि उनका योग होता है, ऑक्सीजन जैसे तत्व का मतलब है जितने ऋण वाले हैं, जैसे Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, F नेगेटिव है, समझ गए? जितने भी नेगेटिव वाले तत्व हैं उन सब का योग ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तो देखो क्या बताएंगे, ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या होता है? योग होता है। बेटा ये परिभाषा याद रखियो, आप ऑक्सीकरण की परिभाषा याद रखो, अपचयन की बिल्कुल उल्टी कर देना। अपचयन की मत याद करना, केवल किसकी याद रखो? ऑक्सीकरण की याद रखो, अपचयन की सेम टू सेम उल्टी लिख दियो, बिल्कुल अपचयन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक दूसरे के कैसे हैं बेटा? व्युत्क्रम। देखो क्या फिर से बता रहा है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है, या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन क्या होता है? पृथक होता है, या किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में क्या होती है? कमी होती है। बेटा एक और लफ्जों में, सिंपल लफ्जों में क्या कहेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है तथा हाइड्रोजन को त्यागते हैं, अर्थात धन ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है और धन विद्युतीय तत्व को त्याग करना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। तो ये वही तो बता रहा है, इतने में इसने हाइड्रोजन को बताया दो तत्वों में, दो पॉइंटों में हाइड्रोजन को, और दो पॉइंटों में क्या इसको बताया, इसमें ऑक्सीजन को बताया और इसमें हाइड्रोजन, इनमें किसको बताया है? ऑक्सीजन को बताया है और इसमें बताया हाइड्रोजन को। कैसे बताया? क्योंकि ऑक्सीजन टू नेगेटिव होता है यानी कि ऋण विद्युतीय होता है, और हाइड्रोजन होता है पॉजिटिव यानी कि धन विद्युतीय तत्व। तो क्या बताया है, ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है, वह अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, या नंबर दो, किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है, या क्या है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का क्या होता है? पृथक होता है, या किसी अवयव के धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में क्या होती है? कमी होती है। जो ये क्रियाएं जिनमें होती हैं वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। अथवा देखो, अथवा ये लिख दोगे, वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है, तो क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा हम तीन आधार पर दे सके, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन है धन वाला, प्लस वाला, तो हाइड्रोजन के साथ धन विद्युतीय तत्व, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन ऋण वाला यानी कि इस पर आवेश माइनस होता है ऋण विद्युतीय तत्व के अनुसार या इलेक्ट्रॉन के अनुसार, किसी भी क्या है, किसी ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का योग हो या ऋण विद्युतीय का तत्व का योग हो, धन या क्या हो, सॉरी अभी क्या बता रहे थे, ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग हो तथा ऋण विद्युतीय तत्व का योग हो, या
हाइड्रोजन का त्याग हो या धन विद्युतीय तत्व का क्या हो, त्याग हो, अथवा इलेक्ट्रॉनों का क्या हो, त्याग हो, तो ये सब अभिक्रियाएं काय की हैं, ऑक्सीकरण की, इसकी है ऑक्सीकरण। वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु आयन से इलेक्ट्रॉन कैसा हो, पृथक होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी क्या होती है, क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे बेटा ये अभिक्रिया देखो, ठीक है, अब यहाँ फोर है, यहाँ क्या कर लो बेटा, फोर देखो, ये जो बेटा ये जो कहलाता है SN, SNCl2, और ये है SNCl4, ये है स्टेनिक, क्या है, सॉरी क्या हो गया, स्टेनस, ये है क्लोराइड, और ये है स्टेनिक, क्या है, ये स्टेनिक क्लोराइड, क्या है बेटा, स्टेनिक क्लोराइड, ये स्टेनस क्लोराइड है और ये स्टेनिक क्लोराइड है। देखो बेटा, ये स्टेनस क्लोराइड में जब हम क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो पता है स्टेनिक में ऑक्सीकृत हो जाता है, इसका ऑक्सीकरण हुआ है, क्यों, क्योंकि इस पर ऋण विद्युतीय तत्व कितने थे, दो थे, अब कितने हो गए, चार, तो क्या हो गया, किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में क्या हो रही है बेटा, वृद्धि हुई, इसलिए ये किस चीज का उदाहरण है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, स्टेनस क्लोराइड से स्टेनिक क्लोराइड में परिवर्तन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि यहां पर ऋण विद्युतीय तत्व के में वृद्धि हुई है। ठीक, अब देखो बेटा अपचयन की अभिक्रिया, तो अपचयन क्या है, अपचयन वह प्रक्रिया में बिल्कुल उल्टा बताऊंगा, जिसमें किसी किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का क्या हो, योग हो, या पदार्थ के धन विद्युतीय तत्व के अवयव के अनुपात में क्या हो, वृद्धि हो, या किसी पदार्थ से ऑक्सीजन पृथक हो, या किसी पदार्थ में ऋण विद्युतीय अवयव के अनुपात में क्या हो, कमी, समझ गए, इसको ना याद रखेंगे, इसको याद रखोगे, जब इसको याद रखो तो जो इसमें क्रिया होती है इसके अपोजिट होती है, इसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है, हाइड्रोजन त्यागा जाता है, धन विद्युतीय तत्व त्यागा जाता है, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, इसमें क्या होगा बेटा, वहां यहां पर क्या हो रहा था, हाइड्रोजन त्याग रहे तो यहां पर हाइड्रोजन क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, हाइड्रोजन पर होता है धनावेश प्लस का होता है, यानी कि धन विद्युतीय तत्व का योग होगा, वृद्धि होगी, ऑक्सीजन निकालेंगे, इसमें ऑक्सीजन मुक्त होगा, ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो, ऑक्सीजन होता है ऋण विद्युतीय तत्व, तो ऋण विद्युतीय तत्व की क्या हो, अवयव में अनुपात में क्या हो, कमी, अर्थात वह अभिक्रिया, अथवा इतनी अभिक्रिया दे दो, वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु अणु आयन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दे, ग्रहण कर दे, इसमें त्याग रहा था, इसमें ग्रहण कर रहा था, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, वृद्धि, तो क्या कहलाती है, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, किसकी कहलाती है बेटा, अपचयन की अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो जैसे ये है CO Cl2 और यहाँ पे CO है, देखो बेटा यहाँ पे भी दो तत्व है, इनके नाम बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, देखो ये CuCl2 क्या है बेटा, CuCl2 एक है CuCl, ये है क्यूप्रिक, क्या है, ये क्यूप्रिक क्लोराइड है, क्या है, क्लोराइड, और ये पता है क्या है, क्यूप्रस क्लोराइड, क्या है, क्यूप्रस क्लोराइड, यानी कि यहाँ क्यूप्रिक क्लोराइड से क्या बना, क्यूप्रस क्लोराइड बना, यहाँ इस पर ऋण विद्युतीय तत्व कितने थे, दो थे, अब ऋण विद्युतीय तत्व एक रह गया ना बेटा, एक CU पे दो Cl थे, लेकिन अब CU पे एक आया तो ऋण विद्युतीय तत्व का क्या हुआ, त्याग हुआ है, यानी कि इसमें चौथे वाले से परिभाषा हो गई, किसी पदार्थ में ऋण विद्युतीय अवयव के अनुपात में क्या हुई है, कमी, इसलिए ये अभिक्रिया किसकी है बेटा, अपचयन की अभिक्रिया है। ठीक है, ऑक्सीकरण की याद रखना, अपचयन की निश्चित याद हो जाएगी। अब देखो बेटा बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट सवाल ये वाला, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया क्या, किसे कहते हैं, देखो बेटा ऑक्सीकरण को ना, ऑक्सीकरण को
ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। तो ध्यान देना, ये उपचयन का मतलब है ऑक्सीकरण अभिक्रिया की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण अपचयन या यहां पर होता है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, या इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। बहुत सिंपल परिभाषा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन की दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे का क्या होता है? अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन। अब मैं दिखाऊंगा तुम्हें कैसे ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है। चलो पहले लिखित देख लो, प्रायः रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अभिक्रिया एक साथ होती है, अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया में किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे पदार्थ का क्या होता है? अपचयन होता है। जैसे ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, देखो कैसे बेटा, इधर क्या था? Zn प्लस के CuSO4। काफी देर से पढ़ रहे हो इसको, इसलिए कहां भी पढ़ा था हमने? दो विस्थापन में करा है। किस में करा है बेटा? सॉरी, ये प्रतिस्थापन में करा है। क्या करा है? प्रतिस्थापन में। Zn ने Cu को निष्कासित कर दिया ना CuSO4 से। तो अब देखो बेटा, यहां क्या है बेटा? ये जिंक है, सही है, और उधर हो गया SO4, यानी कि कुल मिला के जिंक से ऋण तत्व जुड़ गया। और ऋण तत्व का जुड़ना, ऋण तत्व की ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। ये हो गया ऑक्सीकरण। यहां पर बेटा CU के पास ये ऋण विद्युतीय तत्व था, लेकिन ये ऋण विद्युतीय तत्व क्या हो गया? निकल गया। तो ऋण विद्युतीय तत्व में कमी, यहां है ना ऋण विद्युतीय अवयव के अनुपात में क्या कमी, तो ये क्या हो गया बेटा? इसका इसमें तो हो रहा है बेटा क्या? ऑक्सीकरण, और इसमें हो रहा है अपचयन। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ये अभिक्रिया कहलाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखते हैं बेटा, सिंपल है। देखो मैंने इसी उदाहरण से सब करा दूंगा तुम्हें, एक ही उदाहरण से ये ऑक्सीकारक अपचायक और रेडॉक्स अभिक्रिया एक याद कर लेना। जिंक की जब कॉपर सल्फेट विलयन से कराई जाती है, तो जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे जिंक का ऑक्सीकरण हुआ है और कॉपर का इस CuSO4 का क्या हुआ है? अपचयन। खैर देखो, ऑक्सीकारक, देखो कारक मीन्स होता है कराने वाले, क्या? कराने वाले। तो क्या है ऑक्सीकारक में कौन से होंगे? देखो ऑक्सीकारक वे होते हैं जो ये रेडॉक्स अभिक्रिया से जुड़े हुए हैं। ऑक्सीकारक और अपचायक कहां मिलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया में। तो देखो रेडॉक्स अभिक्रिया में इस पदार्थ का अपचयन होता है, इसका ऑक्सीकरण, या इसका ऑक्सीकरण होता है और इसका अपचयन। तो बेटा जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो तो अपचायक का कार्य करता है, और जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक का कार्य करता है। अर्थात समझ गए ना? समझ गए। यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया में आप ये पहचान सकते हो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन। देखो मैं तुम्हें इधर दिखा रहा हूं, एक और अभिक्रिया है, चलो इधर ले ले रहे बेटा। ये देखो, ये है SnCl2 प्लस FeCl3, तीर लगा के ये कर लो SnCl4 और FeCl2। चलो ये ऐसी अभिक्रिया मान लो तुम। अब देखो बेटा इसका इसमें क्या हुआ है ये बताओ मुझे। मैं बताऊं इसमें क्या हुआ है? इसमें हुआ है ऑक्सीकरण। क्या हुआ है? क्यों? इस पर कितने Cl के थे? दो। हो कितने हो गए? चार। तो ऋण विद्युतीय तत्व बढ़ा, तो ऋण विद्युतीय तत्व में वृद्धि क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो ये है बेटा ऑक्सीकरण हो गई। ये क्या हुआ है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब इस पर Cl कितने थे? तीन। कितने हो गए? दो। ऋण विद्युतीय तत्व में कमी हो गई, तो ये हुआ है अपचयन। क्या हुआ है? इसका मतलब इसका अपचयन हुआ है और इसका क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। तो जिसका ऑक्सीकरण हुआ है वो है अपचायक।
अगर कोई इसमें पूछे तो अपचायक ये है, और जिसका क्या हुआ है अपचयन हुआ है वह ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक तो किसी रेडॉक्स अभिक्रिया में वे पदार्थ जिनका क्या होता है ऑक्सीकरण होता है क्या कहलाते हैं अपचायक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि खुद का तो ऑक्सीकरण हुआ है लेकिन दो औरों का क्या कराया होगा अपचयन कराया होगा इसलिए अपचायक। वे पदार्थ जिनका अपचयन होता है तो वे ऑक्सीकारक होते हैं। क्यों? क्योंकि खुद ही का तो अपचयन हो रहा है दूसरों का तो ऑक्सीकरण करा रहे हैं। तो बस इतनी सी ये बात अगर किसी बच्चे को क्लियर है समझ लो हो गया काम। देखो रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है, अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया में वह अभिकारक जो दूसरे का ऑक्सीकरण कराता है और स्वयं क्या होता है अपचयित होता है क्या कहलाता है ऑक्सीकारक कहलाता है। अब इस अभिक्रिया में ये ऑक्सीकारक देखो बेटा इसका क्या हुआ है जरा बताना, अरे इसका तो ऑक्सीकरण हुआ है, इसका क्या हुआ है ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, क्या की है ऑक्सीकरण, और इसका क्या हुआ है अपचयन, क्या हुआ है अपचयन, ये है अपचयन की अभिक्रिया। तो इसका क्या हुआ है अपचयन, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हुआ है, तो पता है इसके कारण इसका ऑक्सीकरण हुआ है ना, तो यहां ऑक्सीकारक क्या हो गया CuSO4। अभिक्रिया के लिए CuSO4 क्या है ऑक्सीकारक। अब देखो बेटा अपचायक, अपचायक में क्या कहोगे रेडॉक्स अभिक्रिया का वह अभिकारक जो दूसरे अभिकारक का अपचयन कराता है और स्वयं क्या होता है ऑक्सीकृत होता है क्या कहलाता है अपचायक कहलाता है। अब यहां फिर से समझाऊं मैं, यहां क्या हुआ है बेटा ऑक्सीकरण हुआ है, क्या हुआ है ऑक्सीकरण हुआ है ना ऑक्सीकरण, यहां क्या हुआ है बेटा अपचयन, क्या हुआ है अपचयन, ये इसका क्या हुआ है अपचयन अप और क्या हुआ है चयन, तो बेटा इसका अपचयन हुआ है तो ये तो है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक इसका ऑक्सीकरण हुआ है इसलिए ये अपचायक है, कैसा है अपचायक, जिसका ऑक्सीकरण हुआ है वह अपचायक होता है, जिसका अपचयन हुआ है वह ऑक्सीकारक। तो इस अभिक्रिया के लिए इसका इसका क्या हुआ है इसका ऑक्सीकरण हुआ है तो ये अपचायक है, इस अभिक्रिया के लिए ZN क्या है अपचायक है। समझ में आई होगी, ऑक्सीकारक और अपचायक छांटने आने चाहिए, फिर थोड़े में अभी और बताऊंगा। देखो बेटा बहुत अच्छा है, देखो ये दोनों में से ना एक आ जाता है, कौन से दोनों में से, या संचारण या विकृत गंधता, दोनों आपको परिभाषाएं बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। देखो संचारण आप लोग जानते हो कि भाई किसी भी चीज को धीरे धीरे नष्ट होना ही संचारण है, जैसे हम देख रहे हैं अगर लोहे को खुले में रख दिया जाए तो बेटा कुछ समय के बाद यानी कि 10-20 साल में क्या के बाद क्या हो जाएगा, आप ये भूल जाना कि आपने यहाँ लोहा छोड़ा था, क्या होगा लोहे क्या है नमी और वायु के संपर्क में आकर ना पता है क्या है धीरे धीरे क्या होता है गलने लगता है यानी कि नष्ट होने लगता है, ये क्रिया ही क्या कहलाती है संचारण कहलाती है। यानी कि कोई आपसे संचारण का उदाहरण पूछे तो सबसे पहले यही बताना लोहे पर जंग लगना। इसी प्रकार बेटा चांदी का जो काला होना वो भी एक तरीके से क्या है आपका संचारण का ही उदाहरण है। चलो देखो कैसे लिखा हुआ है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब वह मंद दर से नष्ट होने लगती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं संचारण कहते हैं। सही है, आ रही बात तुम्हारी समझ में, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता या नमी यहां कुछ भी लिख दो आदि के संपर्क में आती है तब वह मंद दर से नष्ट होने लगती है और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं संचारण कहते हैं। जैसे यहां पे उदाहरण होगा बेटा ये कैसे हैं, जैसे जैसे लोहे पर जंग लगना संचारण का उदाहरण है, चांदी चांदी पर काली परत आना या चढ़ना क्या ये भी संचारण का उदाहरण है। ठीक है, अब देखो बेटा संचारण को रोकने के
उपाय, यानी कि अगर संचारण हो रहा तो आप किस तरीके से उसको रोकोगे। तो सबसे सरल और बढ़िया है उपाय, पेंट कर दो इस पर, क्या कर दो, पेंट कर दो, ठीक है। दूसरा, यदि पेंट नहीं कर पा रहे तो तेल लगाकर किया जा सकता है, अथवा तेल ना लगाओ तो क्या है, ग्रीस लगाकर, क्या है, ग्रीस लगाकर, अथवा गैल्वेनीकरण, यानी कि किसी अन्य धातु की परत चढ़ाकर, क्या है, गैल्वेनी क्या होता है, एक गैल्वेनीकरण एक विद्युतीय प्रक्रिया है, इसमें किसी धातु पर अन्य धातु की क्या है, कम सक्रिय धातु की क्या कर चढ़ा दी जाती है, परत चढ़ा दी जाती है। तो ये हो गए इसके उपाय। आज आप विकृत गंधता, नाम से ही पता पड़ रही है, गंध का मतलब होता है स्मेल, क्या होता है, स्मेल। इधर देखो, खाद्य पदार्थ में उपस्थित तेल अथवा वसा के ऑक्सीकरण के कारण, वह खाद्य पदार्थों में कुछ जो खाद्य पदार्थ किसके होते हैं, तेल अथवा वसा के से तलकर बनाए जाते हैं, जैसे मान लो कचौड़ी। इधर देखो, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के ऑक्सीकरण के कारण खाद्य पदार्थ के स्वाद तथा गंध क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, अर्थात खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं रहता, तब ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, विकृत गंधता कहलाती है। देखो बेटा, आप लोग ज्यादातर भैया यही कहेंगे, पूरी और कचौड़ी ये क्या होती है, तेल में तली हुई होती है। अगर आप जो है खुले में इसको ऐसे ही रख दोगे तो पता कुछ समय के बाद जो आपके स्वाद था, जो टेस्ट था और जो इसमें क्या था, गंध थी, वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। किसके कारण, इसमें जो तेल है ना और बसा है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो क्या बताया, खाद्य पदार्थ में उपस्थित तेल तथा वसा के ऑक्सीकरण के कारण खाद्य पदार्थों के स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं, अर्थात खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं रहता, तब ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, विकृत गंधता कहलाती है। अब देखो बेटा, सही है, ये विकृत गंधता और संचारण ध्यान रखना, दोनों लगभग छपने वाले सवाल हैं, इन दोनों में से उम्मीद करता हूं एक जरूर आएगा, इसलिए आप विशेष ध्यान दें, ठीक है। अब विकृत गंधता को रोकने के उपाय, यानी कि इसको भी जैसे मान लो हम क्या है, रोक सकते हैं, कुछ उपाय कर सकते हैं, कैसे, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य पदार्थों को रखकर। वायुरोधी का मतलब है जहां पर वायु नहीं जा पा, ठीक है ना, जैसे हम देखते हैं आज ऐसे ऐसे जो बर्तन चल रहे हैं जिसमें क्या है, वायु ना आती है ना जाती है, यानी कि अंदर अगर गर्म आपने कोई वस्तु रख दी तो गर्म ही रहेगी, ठंडी रख दी तो ठंडी रहती है, इसका मतलब वो कैसे हैं, विद्युत रोधी हैं, वो सॉरी विद्युत नहीं वायु रोधी हैं, कैसे हैं, वायु। तो उनमें भी क्या है, हमें इन खाद्य पदार्थों को रख दिया जाए जो बसा और तेल से में तल के बने हुए हैं, तो उसको भी क्या है, कुछ समय, कुछ अधिक समय तक उनको विकृत गंधता से बचाया जा सकता है। अगला, तीसरा, पके भोजन को कम ताप पर अथवा ढककर रखना, यानी कि जैसे फ्रिज में रख देते हैं तो जो चीज पता है एक दिन में विकृत गंधता हो जाएगी वो पता है दो दिन चल जाती है, इसका मतलब है वहां क्या रहता है, कम ताप रहता है। तो पके भोजन को कम ताप एवं ढककर कर रख कर यह रखना भी क्या है, एक विकृत गंधता से बचाना है। अब देखो बेटा, आपके चिप्स वगैरह के जैसे देख रहे हो आजकल, ये चिप्स वगैरह के भाई क्या है, चिप्स का पैकेट ले आओ आप अपने घर में, इस तरीके से रखो, आज लेके आयो 10 दिन तक ऐसे ही रखोगे, कोई भी फर्क ना पड़ेगा, ठीक। और यदि आपने थोड़ा सा भी खोल दिया और फिर आप 2 से 3 दिन बाद, अर्थात मुझे तो ये लगता है कि दूसरे दिन भी आप उसको खा ना पाओगे, क्यों ना खा पाओगे, उसका कारण है। तो भाई अब ऐसा क्या हुआ, तो आपने क्या करा, उसके अंदर की गैस निकाल दी, क्या निकाल दी, गैस। वो कौन सी गैस थी, वो उसको विकृत गंधता से बचा रही थी, कम सक्रिय गैस थी, कौन सी, नाइट्रोजन। तो यहां क्या है, आलू के चिप्स जैसे भोज्य पदार्थों को कम क्रियाशील गैस जैसे नाइट्रोजन के साथ पैकेटों में क्या है भरकर रखकर भी आप क्या है इनको विकृत गंधता से बचा सकते हो, ये है उपाय, ठीक। अब देखो बेटा, ये मैंने इधर देखो कितने 16 पॉइंट लिखे हैं, क्या लिखे हैं, 16 पॉइंट। ये इस चैप्टर की वो चीजें हैं जो पेपर में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है, वरना लगभग आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। देखो क्या, देखो जंग का सूत्र, जंग का सूत्र क्या है, जंग क्या है, फेरिक, अरे लोहा ही तो था, लोहा ऑक्सीकृत हो गया,
किससे? जल और वायु से, जल और वायु से। ये जंग बनाने, ये जंग लगने की मैंने समीकरण लिख दी। तो क्या है, लोहा वायु के संपर्क में और नमी के संपर्क में आया और ये विटक क्या बना डाली इसने, जंग बना डाली। क्या होगा, ये जंग का सूत्र है, जंग भी एक लोहा है। तो मैंने यहां बता दिया जंग का सूत्र। तो क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यानी कि जल के साथ फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe2O3 इनटू हाइड्रेटेड, का मतलब है इसमें जल है। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड किस चीज का सूत्र है बेटा, जंग का सूत्र। क्या है, Fe2O3 इनटू XH2O, ये क्या है, जंग का सूत्र। यदि सूत्र आता है तो लोहे पर जंग लगने वाली समीकरण आप लिख सकते हो। यहां लोहा है, ये वायु है, ये जल है, सबको मिला के क्या हो गया यहाँ पे, देखो बेटा। अच्छा ये थोड़ी असंतुलित रह गई बेटा, यहाँ कितने कर लो, चार। ठीक है, सही है बेटा, चार कर लिए, अब हो गई संतुलित। ठीक है ना, तो अब क्या है, आपको जंग का सूत्र आना चाहिए। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 इंटू XH2O किसका सूत्र है बेटा, ये जंग का सूत्र है। संगमरमर, मार्बल या खड़िया, किसका भी कह दे, लोग क्या कह दो इसको, खड़िया और कह दो, कह दो खड़िया का सूत्र। किसका, खड़िया। सही है, जो आप चौक चलाते हैं, है ना, चौक देखे हैं, हाँ देखे होंगे। चलो, खड़िया का सूत्र, संगमरमर का, मार्बल, ये किसका उदाहरण है, इसका सूत्र क्या है बेटा, ये CaCO3। अब मैंने तुम्हें बताया, ये अगर आपको ये याद रहा CaCO3, तो आप वियोजन अभिक्रिया दिखा सकते हो। कौन सी दिखा सकते हो, वियोजन। क्यों, वहां क्या है, वियोजन की अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन। हमने बताया कि संगमरमर को यदि गर्म कर दिया जाए तो वो CaO+CO2 में टूट अर्थात वियोजित हो जाती है। तो आपको संगमरमर और मार्बल का सूत्र याद होना चाहिए। सही है, आ जाओ बेटा बिना बुझा चूना। तो बिना बुझा चूने का सूत्र होता है CaO। Ca क्या है, कैल्शियम, O क्या है, ऑक्साइड। मैंने ये नाम लिख दिया है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसे ही संगमरमर को CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, आ जाओ बेटा, ये बेटा क्या है, बिना बुझा चूना, और ये है बेटा बुझा चूना। कौन सा, ये किसका सूत्र है बेटा, बुझे चूने का। बुझे चूने का क्या होता है, ये Ca है, यानी कि कैल्शियम है, और ये OH का होल ट्वाइस है। किसका है, OH का होल ट्वाइस। बुझे हुए चूने का सूत्र है Ca और यहाँ पे OH और इसका होल ट्वाइस। नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बुझा चूना का है, ये बिना बुझे का चूने का। ठीक है, आ जाओ बेटा, ये है एक सूत्र है नौसादर। नौसादर का काफी पूछा जाता है बेटा। नौसादर का होता है NH4Cl, NH4Cl, और क्या होता है, ये अमोनियम क्लोराइड होता है। NH4 इसका रासायनिक नाम, नौसादर का NH4 रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl और इसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। समझ रहे हो, सही है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो बेटा, ये अब क्रिया लिख दी मैंने, समझ गए, ये वाली, ये है श्वसन की रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण। तो कभी कभी ये कह देता है कि श्वसन की रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण किस प्रकार के समीकरण है। अब बेटा ये तो बता, श्वसन का, अरे हमारे अंदर ही क्या हो रहा है, श्वसन हो रहा है। हम जो खा पी रहे हैं उसको क्या है भाई, कुछ तो पानी के राय निकल रहा है, पानी बन रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल रहे हैं, जो एनर्जी है वो हम अवशोषित कर रहे हैं। अरे ये हमारे अंदर होने वाली तो है, हमारे का मतलब तुम यही सोच लेना कि मेरे ही अंदर ना तुम्हारे अंदर भी होती है। कभी ये सोचो कि सर जी के अंदर तो ये अभिक्रिया हो रही है, ना बेटा तुम्हारे अंदर भी हो रही है भाई। जो हम कुछ खा रहे हैं वो है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। ठीक, और हमारी ये कौन सी है गैस बेटा, जीवन दायिनी गैस। कौन सी है, जीवन दायिनी गैस। कौन सी, ऑक्सीजन वगैरह इसके काम ना चलेगा बेटा। तो हम जब ग्लूकोज को, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं फिर अंदर रिएक्शन होने लगती है, हमारे अंदर श्वसन क्रिया, भोजन का पचाव चल रहा है। पचाव के बाद क्या बनता है, CO2, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है बेटा, जल। और प्लस हमें क्या मिलती है बेटा, एनर्जी। क्या मिलती है, एनर्जी।
अब बताओ बेटा ये जो अवक्रिया है कौन सी अवक्रिया है। जैसे हम देखो यहां ऊर्जा के आधार पर दो प्रकार की अवक्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी। तुम जरा बताना ये कौन से में होगी। बेटा ये ऊष्मा क्षेपी है, क्योंकि ये अरे हम जब कुछ भी खाते हैं हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब एनर्जी कैसे मिली होगी, अवक्रिया में क्या है मुक्त हुई होगी, क्या ऊर्जा मुक्त हो गई होगी। तो ये है श्वसन की रासायनिक अवक्रिया, यानी कि जो हमारे शरीर में हम जो भोजन खाते हैं उसको क्या है, उससे होने वाली अवक्रिया है, जिसको हम श्वसन की रासायनिक अवक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, श्वसन की क्रिया कहते हैं, श्वसन की रासायनिक अवक्रिया। ये क्या है, ऊष्मा क्षेपी है। ठीक है, इसके बारे में ये क्वेश्चन बनता है कि श्वसन की अवक्रिया किस प्रकार की अवक्रिया है, उसमें बहुत से उदाहरण होंगे। आप क्या बताओगे, ये बताओगे कि ये बेटा कैसी है, ऊष्मा क्षेपी है। ठीक, अवक्रिया भी याद रखो, क्योंकि ये तो तुम्हारे ही अंदर होने वाली है, इसलिए याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा कुछ अवक्रियाएं ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, जब कास्टिक सोडा, कास्टिक का सोडा का मतलब NaOH की अवक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से की जाती है, तो कास्टिक सोडा का होता है NaOH और ये सल्फ्यूरिक अम्ल। बेटा ये क्षार है, क्या है, क्षार, और ये क्या है, अम्ल। जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो बेटा क्या होता है, बेटा जब अम्ल मिलेगा और क्षार मिलेगा तो अवक्रिया में पता लवण बनते हैं, और ये अवक्रिया कहलाते हैं लवणीकरण, यानी कि लवण बनेंगे। अब लवण कैसे होते हैं, भाई देखो अम्ल, अम्ल वो होते हैं जो क्या है, घुलकर H पॉजिटिव दें, क्या दें, जो H पॉजिटिव दें, आयनन होकर क्या दे दें, H पॉजिटिव दे दें, तो वो हो जाते हैं अम्ल। जो OH नेगेटिव देते हैं वो क्षार हो जाते हैं। ठीक, और जो आयन तो दें परंतु ना H पॉजिटिव ना OH नेगेटिव, तो वो कहलाते हैं हमारे लवण। तो बेटा ये उदासीनीकरण का उदाहरण है, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, तथा ये अवक्रिया कहलाते हैं उदासीनीकरण अवक्रिया। ठीक, अब देखो इसमें ये कास्टिक सोडा है NaOH, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, जब पता है ये ओ, इसका OH ये बना लेंगे बेटा जल, जल के दो अणु, इसलिए अब ये Na एक पॉजिटिव, SO4 दो नेगेटिव होते हैं, जब इसको साथ इसको जोड़ोगे तो इसके दो चाहिए, इसलिए आगे दो लगा लिए संतुलन के लिए, तो क्या हो जाएगा Na2SO4 प्लस 2H2O, और ये क्या बन गया, सोडियम सल्फेट बन गया। क्या है ये, सोडियम और सल्फेट, आ रही बात समझ में। चलो देखो बेटा अगला क्या है, ये भी अवक्रिया बहुत अच्छी है। क्या होता है, जब बुझे चूने की अवक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से की जाती है। अब बुझा हुआ चूना का सूत्र इसीलिए मैंने यहां याद करवाया, क्या बुझे चूने का क्या सूत्र है, COOH का होल ट्वाइस और CO2 आप जब उसमें प्रवाहित करोगे। बेटा ये कहां होने वाली है, अरे बेटा ये देखो मैं तुम्हें घरों में होने वाली, अब दीपावली आ रही है ना, हाँ देखो इधर देखो, आप क्या लाओगे बाजार से, आप लाओगे CaO, क्या लाओगे CaO, यानी कि कलई लेके आओगे। ठीक, प्लस उसमें क्या डालोगे H2O, अब पता है क्या, तो यहां ये बुझ जाएगा CaOH का होल ट्वाइस और प्लस क्या निकलेगी बेटा, ऊष्मा निकलेगी, क्या निकलेगी ऊष्मा, ये कुछ समय बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो समझ लो चूना बुझ गया, यानी कि बुझा हुआ चूना है। फिर क्या करोगे, इस बुझे हुए चूने इसको आप दीवारों पर कर दोगे, क्या कर दोगे दीवारों पर। अब दीवारों पर आप कलई करोगे तो बताओ फिर पानी छिड़कोगे क्या, ना, क्या करेंगे, अरे फिर हमें गर्मी चाहिए, क्या चाहिए गर्मी, यानी कि सूखने को, सूखाएगा वो, सूखने का मतलब गर्मी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड यहां ये वाला जो बुझा हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड से जब क्रिया करेगा तो बेटा क्या निकल जाएगा, बेटा सूख जाएगा, यानी कि जल उड़ जाएगा, क्या हो जाएगा जल, फिर क्या हो जाएगा ये CaCO3 कार्बन कैल्शियम का सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, और जो कि तुम्हारी दीवारों पर लगा रह जाएगा। ठीक है, कैल्शियम, तो यही है, बुझे हुए चूने की अवक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से की जाती है, तो बेटा क्या बन जाता है ये, अरे खड़िया बन जाती है, दीवारों पे ऐसे का ऐसा ही रख जाता है ये CaOH का होल ट्वाइस। अब पता है क्या होगा, गर्मी यहां से मिलेगी चारों तरफ से,
तो पता है इसका जल सूख जाएगा और आपको ये दीवारों पर रह जाएगा क्या, CaCO3 क्या रह जाएगा, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट। आ जाओ बेटा, ये भी अच्छी रिएक्शन है। देखो क्या है, नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया बुझे चूने से की जाती है। अब नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, ये बुझा हुआ चूना है, फिर से वही ये अम्ल और ये क्षार, और अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल। तो लवण जल कैसे बनेगा, इसकी ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ जाएगा, ये H और ये OH क्या बना लेंगे, H2O। सही, अब बेटा जुड़ेंगे कैसे, Ca2 पॉजिटिव होता है, NO3 एक नेगेटिव होता है। हमने बताया पॉजिटिव नेगेटिव वाली बार वीडियो देख लो, कहां मिलेगी, इंटर केमिस्ट्री में, प्ले लिस्ट में जाओगे इंटर केमिस्ट्री में, वहां पे आपको ना दो इंपोर्टेंट सबसे शुरू वाली अभिक्रिया है जो वीडियो है, धनायन और ऋणायन वाली, उनको जरूर देखना, ये रिएक्शन आप चुटकियों में कर दोगे। सही है ना, देखो इधर ये अम्ल है और ये क्षार है, तो इसको इसके साथ जोड़ूंगा, ये दो पॉजिटिव होता है, ये एक नेगेटिव, तो मुझे दो लेने पड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, CaCO3। अब ये है कैल्शियम नाइट्रेट जो कि लवण है, बन जाएगा और जल बन जाएगा। ठीक है, जब नाइट्रिक अम्ल की बुझे हुए चूने से अभिक्रिया कराते हो तो कैल्शियम, ये बहुत अच्छी रिएक्शन है, ध्यान रखना सूत्र याद रखना इनको, क्या है, नाइट्रिक अम्ल से की जाती है तो कैल्शियम नाइट्रेट प्लस जल प्राप्त होता है। अब देखो ये मैंने तुम्हें बता दिया जंग लगने की, अरे जंग तो समझ लो आप कर ही लोगे, ठीक है, बताई दिए काफी देर। अब देखो कैसे प्राप्त करोगे, एथिलीन से एथेन, एथिलीन से एथेन, ठीक है। अब देखो ये एथिलीन का है, ये बेटा काय का है, एथिलीन का सूत्र है, एथिलीन CH2 2H1 CH2, इसमें हाइड्रोजनीकरण करो यानी कि H2, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो बेटा ये एक एच यहां और एक एच यहां और CH3 और एकलवन CH3 ये बन जाती है एथेन, क्या बन जाती है, ये एथेन। अब आ जाओ बेटा अगली अभिक्रिया क्या होता है जब एसिटिलीन से एथेन, ये कैसे प्राप्त करोगे एसिटिलीन से एथेन, तो दो प्रकार, दो बार हाइड्रोजनीकरण कर दो, हाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में हो जाएगा, NI के यानी कि निकिल में, तो पहले एसिटिलीन है, ये क्या है एसिटिलीन का सूत्र है एसिटिलीन, सही है एसिटिलीन, CH3CH H2 दिखाओगे, NI उत्प्रेरक 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बन जाएगा ये एथिलीन बन जाएगी, क्या बन जाएगी एथिलीन। एथिलीन का एक बार और यहां पर दिखा दो, H2/NI यानी कि तिरछा बटा करके NI लिख दो, तो एथेन बन जाएगी, ये बनी एसिटिलीन से एथेन। अब देखो बेटा इन गैसों को क्या बोलते हैं, ये इनके अपन अलग उपयोग है, कौन से, फल को पकाने वाली गैस, फल को पकाने वाली गैस, तो एथिलीन गैस का उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। अब आ जाओ अगला, ये हो गया 12वां, 13वां आ जा, गैस बिल्डिंग में प्रयुक्त गैस, तो ये एसिटिलीन होती है, कौन सी होती है एसिटिलीन, CH3CH, ठीक है। अब देखो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एक नंबर का क्या है आ जाता है, NTP पर किसी, अच्छा ये थोड़ा वैसा लग गया, NTP पर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप और दाब, NTP क्या है, N का मतलब होता है नॉर्मल, T का मतलब होता है टेम्परेचर और P का मतलब है प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी कि सामान्य, नॉर्मल का मतलब सामान्य, टेम्परेचर का मतलब ताप और P का मतलब होता है क्या, प्रेशर मतलब है दाब, तो सामान्य ताप और दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन, किसी गैस के एक मोल का जो आयतन होता है, क्या होता है आयतन, वो बेटा कितना होता है 22.4 लीटर होता है किसी भी गैस के, सही। चलो बेटा अब देखो ये दो रिएक्शन और रह गए, ये भी सुन लो, सही है। देखो बेटा क्या है, क्या होता है जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया कास्टिक सोडा से की जाती है, जलीय कास्टिक सोडा से की जाती है, किससे, यहां जलीय जरूर लिखोगे, क्या लिखोगे जलीय, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र याद हो, एसिटिक अम्ल का होता है CH3COOH, कास्टिक सोडा यहां एक ही डाल लो, यहां लिख दो जलीय, क्या लिख दो जलीय, एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH और NaOH,
ये अम्ले ये क्षार है। फिर सब जानते हो कि जल और लवण बनेगा, बनाओ भाई यहां से क्या लोगे, यहां से बता, यहां से लूंगा H और यहां से लूंगा OH, ये बना दूंगा H2O और ये N यहां लगा दो, यहां पे यहां से तो हटाया, ये क्या बन गया, ये लवण बन गया। कौन सा? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट ये भी अच्छी रिएक्शन है। क्या क्या होता है जब एसिटिक अम्ल की क्या है जलीय NOH से अभिक्रिया की जाती है, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH प्लस जो कास्टिक सोडा या NOH, NOH कह रहे हैं तो ठीक है ना, तो जलीय कास्टिक सोडा का है तो कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NOH। अब हम देख रहे हैं कास्टिक सोडा है क्षारक और इधर एसिटिक अम्ल बता रहे हो, अम्ल और क्षारक क्या करते हैं, अरे अम्ल और क्षारक की जब भी रिएक्शन कराओगे लवण और जल बनेगा, यानी कि इसका एच उसका OH क्या दिखा दो, H2O निकाल दो, वो N यहां लगा दो, अब इसका हो गया सोडियम एसीटेट। इसी तरीके से बेटा एक अभिक्रिया ये है, हो सकता है आपको दिखाई दे रही हो ना दिखाई दे रही हो, तो ऐसे ही समझो। क्या एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल से की जाती है, ये भी बड़ा अच्छी रिएक्शन है। क्या होता है जब एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल से की जाती है या एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल एल्कोहल से की जाती है। देखो बेटा ये क्या बताया मैंने आपको, बताया एसिटिक अम्ल, क्या बताया एसिटिक अम्ल, चले यहां पर देख रहे यार, और एथिल एल्कोहल ये रहा C2H5OH, जिनमें OH होता है एल्किल समूहों से जुड़ा हुआ वो एल्कोहल होते हैं, तो ये हो गया एथिल एल्कोहल। तो एसिटिक अम्ल की जब एथिल एल्कोहल से कराओगे तो वही वाली बात है, ये H और ये OH क्या बना दिया मैंने, क्या जल बना दिया, और बेटा ये वाला यहां रख दो, तो अब नाम कहोगे नाम उल्टे बोले जाते हैं, इधर से बोले जाते हैं, जैसे ये एथिल है तो लिख देंगे एथिल और यहां CH3COO को बोलते हैं एसीटेट, एथिल एसीटेट, या कोई कहने लगे सोडियम एसीटेट तो Na लिखोगे इधर और यहां लिख दोगे CH3COONa, तो ये हो जाएगा सोडियम एसीटेट। ऐसे ही K लिख दिया और इधर क्या हो गया CH3COO, ये कह दिया K, तो ये हो जाएगा पोटेशियम एसीटेट, और करो बेटा CH3COO यहां CH3, तो ये हो जाएगा मेथिल एसीटेट। ऐसे ही C2H5 और क्या हो जाएगा CH3COO C2H5 क्या हो जाएगा एथिल एसीटेट। देखो बेटा इस वाले वीडियो में ना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया, और उम्मीद करता हूं मैं जो आगे चैप्टर दूंगा ना एक एक चैप्टर की एक एक ही वीडियो दूंगा, एक ही वीडियो में तुम्हारा क्या है कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनकी दो देनी पड़ेंगी, वरना एक एक वीडियो से 5 से 6 वीडियो में तुम्हारी रसायन विज्ञान खत्म करा दूंगा, और उसके बाद एक ऐसी क्लास दूंगा एक ऐसी वीडियो दूंगा जो आपका क्या है हाई स्कूल का पेपर जब देने जाओगे तो आपको इतनी तैयारी होगी कि पेपर में कुछ भी छाप दे सब छाप के आओगे आप, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं बेटा। उससे पहले वही बात कहेंगे हम जो हर बार कहते हैं, वही बात जो दोहराते रहते हैं, वीडियो को जितना भी ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा हो अपने फ्रेंडों को जैसे यार रिश्तेदार जो भी हैं उनको ज्यादातर शेयर करें, ठीक है, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।